अच्छा अपना नाम बताइए आप। जितेंद्र यादव। जितेंद्र यादव जी, इधर आ जाइए यादव जी। ये बताइए आपको रोजगार मिला? नहीं मिला। बीजेपी गवर्नमेंट होते आपको रोजगार नहीं मिला? भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है उससे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देश में गोलवर्कर का वो जो है संविधान लागू करना चाहते हैं। गोलवर्कर ने कहा था कि जिस दिन 90% जनता भीख मांगने लगेगी उस दिन हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। अच्छा। तो भारतीय जनता पार्टी ने पहले नोटबंदी की, फिर GST लागू किया, उसके बाद जो है ना लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा जो है लोग बेरोजगार हो गए, खाने के लिए जो है ना तरस रहे थे, उनके पास कोई मदद करने वाला नहीं था। जब 2019 में जब स्टार्टिंग हुआ था जो है ना कोरोना की महामारी, उस समय मोदी जी जो है ना नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे। गुजरात में 25 लाख लोगों को इकट्ठा किया था और नमस्ते जो है ना ट्रंप किए थे। आगरा में जो है उन्होंने उनको जो है घुमाया था और दिल्ली में दंगे हो रहे थे। इतना नालायक प्रधानमंत्री और इतना घटिया प्रधानमंत्री, क्या बात कर रहे हैं आप? वो प्रधानमंत्री, आप प्रधानमंत्री जी के लिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं, नालायक बोल रहे हैं आप? लोकतंत्र में संविधान ने हमको अधिकार दिया कि हम जो गलत करेगा उसको हम गलत कहेंगे। अच्छा। अगर लायक प्रधानमंत्री होते तो भारत सरकार की बनाई हुई जो संपत्ति है उसको नहीं बेचते। आज आपको हम बताना चाहते हैं, भारत सरकार की जो रेलवे थी उसको अडानी अंबानी को जो है गिरवी रख दिया, ONGC जो थी भारत सरकार की उसको भी गिरवी रख दिए हैं, और BSNL था वो ख़त्म हो गया। Jio का प्रचार करते हैं मोदी जी। कोई भी अगर अपने माँ बाप का सही बेटा होता है तो माँ बाप की संपत्ति को आगे बढ़ाता है, नहीं कि उसको बेचता है। ये भारत के ऐसे नालायक प्रधानमंत्री हैं जो भारत की संपत्तियों को बेच के अपने आप को देशभक्त कहते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अच्छा ये बताइए आपके खाते में पैसे आए? कहाँ से आएंगे, जो थे वो उन्होंने भी ले लिए। 15 लाख नहीं आए, जो थे वो भी ले लिए उन्होंने। मतलब बात कर रहे हैं। लाइन में हम लोग लाइन में जो है खड़े होकर के भूखे प्यासे जो है 2-2 रुपए कमा के जो इकट्ठा किए थे उसको मोदी जी ने कहा तुम बहुत बड़े देश के नोटबंदी जो है ना काले जो है बाजारी करते हो, हमारे पास बहुत पैसा है, तुम लोग के पास काला धन है। अब अडानी अंबानी को कभी आपने लाइन में लगते हुए देखा? बड़े बड़े जो उद्योगपति थे कभी आपने उन्हें देखा उन्हें लाइन में लगे हुए? हम जैसे गरीबों ने लाइन में लग करके भूखे प्यासे लग करके हमने अपने पैसे जमा कराए, और जब हम पैसे निकालने के लिए गए तो उसमें भी रोक लगा दी सरकार ने कि आप 2000 से ज़्यादा नहीं निकाल सकते। कितने लोगों के जो है ना शादियाँ टूट गई, बहुत सारे लोग थे जो इलाज के लिए पैसे होते हुए भी वो पैसे नहीं दे पाते थे, हॉस्पिटल ले नहीं रहा था कि हम ये पैसे नहीं लेंगे। ये सरकार जो है EVM की सरकार है, इस देश में लोकतंत्र अब है नहीं। अच्छा ये बताइए, इतना सब कुछ होने के बावजूद फिर भी आप BJP को ही वोट दे देते हैं? BJP को हम नहीं वोट देते हैं। तो कौन देता है? ऐसे ही जीत जाते हैं वो लोग। बटन दबाइए सपा पे जाता है BJP पे, बटन दबाइए BSP पे जाता है BJP पे, बटन दबाइए कांग्रेस पे जाता है BJP पे। पुरानी वोटिंग चालू कर दो ना मैम, भारत नहीं होती। भारत सरकार बैलेट पेपर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बैलेट पेपर पता है, बैलेट पेपर से अगर चुनाव हो, इंसान अपने ऊपर जीतता था जैसा होता था। अगर बैलेट पेपर से अगर चुनाव हो, और मैं कहता हूँ कि जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ पे जो है ना वीडियो कैमरा लगी होनी चाहिए, और जो भी चुनाव लड़ रहे हो वो सब जो है ना मॉनिटरिंग कर रहे हो, देख रहे हो कि क्या हो रहा है। जहाँ आप जो है ना वोट डाल के चले जाते हो, बक्सा जहाँ रखा जाता है वहाँ के जो DM होते हैं और वहाँ के जो अधिकारी होते हैं सब सेंट्रल गवर्नमेंट के ही अधीन में आते हैं, निर्वाचन आयोग के। अब निर्वाचन आयोग ये कहता है कि आप जो है CCTV कैमरा 2 घंटे के लिए बंद कर दो, अधिकारी बंद कर देता है। उसके बाद क्या होता है कि बक्से बदल दिए जाते हैं, जो आपने वोट दिया है वो बक्सा हटा दिया जाता है, जो नहीं दिया है वो जो है ना छपा छपाया पहुंच जाता है। क्या आरोप पे आरोप लगा रहे हैं आप? ये हकीकत है मैडम, ये मैं आपको जेन्युइन बात बता रहा हूँ। DM हो कलेक्टर हो सब बिक जाते हैं इलेक्शन। देखिए सरकार में इतना पावर है कि इलेक्शन कमीशन के जो सबसे बड़े अधिकारी थे उनकी भी जो है ना जासूसी कराई गई, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे ना रंजन गोगोई उनकी भी जो है ना जासूसी कराई गई। नेता प्रतिपक्ष जो है आज के डेट में जो माननीय श्री राहुल गांधी जी हैं उनकी भी जो है जासूसी कराई गई। आज ही की करंट न्यूज़ है कि राहुल गांधी जी का अकाउंट बंद कर दिया गया, ट्विटर अकाउंट। क्यों भाई, क्या BJP के कहीं ना कहीं निशाना जा रहा है कि उन्होंने कराया है? देखिए BJP जो है ना दलित विरोधी है, BJP जो है ना बैकवर्ड जो है ना विरोधी है, BJP माइनॉरिटी विरोधी है। इस देश में SC ST OBC और माइनॉरिटी
इसको भाजपा नहीं देखना चाहती है। क्यों नहीं देखना चाहती है? ऐसी 27 केंद्रीय मंत्री बना दिए ओबीसी के, 27 केंद्रीय मंत्री के आप राष्ट्रपति देख लीजिए ना, रामनाथ जो है कोविंद जी है, लेकिन दिल्ली के अंदर एक दिल्ली कैंट छावनी विधानसभा में एक दलित बेटी के साथ बलात्कार होता है, लेकिन राष्ट्रपति ट्वीट तक नहीं कर सकते, उसको न्याय नहीं दिला सकते। हाथरस में होता है, दलित की बेटी के साथ जो है ना गैंगरेप होता है, उसके माँ बाप को अंतिम संस्कार का भी मौका नहीं दिया जाता है, और वहाँ के लिए राष्ट्रपति ये सिर्फ स्टाम्प पेपर है, सिर्फ जो है ना रबर जो मोहर मारने वाले, ये सिर्फ नाम के लिए बनाए गए हैं। काम तो RSS करता है, और इस देश के जिनकी आबादी 10% है कुल, वो लोग इस देश में राज करते हैं, 90% जैसे हम लोग बैकवर्ड हैं, हम लोग उनकी जो है ना गुलामी करते हैं, लेकिन अब ये जो है गुलामी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आर पार की जो है ना लड़ाई है, 2024 में मरेंगे नहीं तो मारेंगे, और एक एक वोट पे नजर होगी। अगर इस बार जरा भी अगर जो है ना गलती की, इलेक्शन कमीशन को हम हिदायत दे रहे हैं, और जो है ना एक बार जो है चेतावनी है जितेंद्र यादव की तरफ से कि सावधान हो जाइए, यूपी में जो है 2022 में चुनाव है, यहाँ पे अगर आपने जो है ना गड़बड़ी की तो आपके जो है होश उड़ा दिए जाएंगे, और जनता ही अपना वोट देके और अपना विधायक चुनेगी। आपके ऊपर हम डिपेंड नहीं होंगे, क्योंकि हम जान चुके हैं कि आप जो है केंद्र सरकार के जो है वो हैं। अच्छा, तोता है, यहीं रहते हैं महरौली में ही? नहीं, मैं जो है बिहार से हूँ। यहाँ क्या करने आए? यहाँ जो है ना दर्शन करने आए थे, बिहार से। ये दरगाह में दर्शन करने आए, दर्शन करने आए थे महरौली शरीफ। अच्छा, आप बिहार से दर्शन करने आए हैं बाबा के? जी, दरगाह के महरौली में। कौन कौन? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्त आगे रहमतुल्लाह अलैह, उनके दर्शन जी। तो आपको कहीं से पता चला होगा इनके बारे में? हम आते रहते हैं, आते रहते जी। चलिए, हम जो है ना सेकुलर विचारधारा के लोग हैं, हम सबको मानने वाले लोग हैं, और हम यही चाहते हैं कि देश में अमन भाईचारा बना रहे, और देश में हर वर्ग को बेरोजगारी है उसको रोजगार। अच्छा, बीजेपी सरकार कहती है हम ना हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं, हम सबके कहते हैं ना सब समान है यहाँ पर, ना धर्मवाद है ना जातिवाद है, ये ऐसी एक पार्टी है जिसमें ना तो ना जातिवाद है, सबको लेके चलती है बीजेपी। अगर सबको लेके चलती है बीजेपी तो 543 लोकसभा सीट हैं, उन्होंने एक भी माइनॉरिटी को सीट क्यों नहीं दिया चुनाव लड़ने के लिए? ठीक है, यूपी सरकार में फुल बहुमत की सरकार है, लेकिन एक भी माइनॉरिटी का विधायक नहीं मिलेगा आपको। तो इसका मतलब क्या है कि आप एक जो है ऐसे जो तबके को जो इस देश को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा, पाकिस्तान नहीं गए, आज भी इस देश में रहते हैं और इस देश के लिए मरते हैं और इस देश के लिए जीते हैं, लेकिन आपने 7 सालों में उस व्यक्ति को आतंकवादी कहा, नक्सली कहा, माओवादी कहा, कहा कि सबसे जो है घटिया स्तर के लोग हैं। आपके लोग कहते हैं कि जिनको मोदी जी पसंद नहीं वो जो पाकिस्तान चले जाएं। हम कहना चाहते हैं गिरिराज सिंह से, क्या जो है ना हिंदुस्तान उनके बाप की तो है नहीं, जो भी इस देश में है भारत का संविधान कहता है कि उनका अधिकार है इस देश में रहने का और अपनी आज़ादी से अपनी। अच्छा, ये बताइए, इतने दिन हो गए किसान जो है वो उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही हैं, जंतर मंतर पे भी वो बैठ गए, आज भी शायद पार्लियामेंट के पास धरना था, क्या कहेंगे कांग्रेस वालों का? देखिए, कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी हो या RLD हो या फिर आपके INALO हो, जैसे बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं जो बिल्कुल जो है किसानों के साथ खड़ी हैं, उनका कहना है कि 3 काले कानून वापस होने चाहिए। ये तो ये कहते हैं ना कि ये लोग तो पार्टियां भड़का रही हैं, सरकार तो बातचीत का रास्ता तो सरकार ने पहले भी खोल रखा था, अभी भी खोल रखा है, लेकिन बातचीत करने को है ही नहीं तैयार। और ये कानून जो लाए गए हैं, 3 कानून जो बिल है, कृषि बिल, वो इनके फायदे में ही है, लेकिन ये लोग समझ नहीं पा रहे किसान। देखिए, फायदा कहाँ है? आपने देखा होगा जियो सिम आया था, उसने पहले 6 महीने तक फ्री दे दिया, लोगों को आदत हो गई जियो की। अब सबसे ज़्यादा जो महंगा रिचार्ज है जियो का है। सरकारी मंडियाँ जो है आने वाले समय में ख़त्म हो जाएगी, और अंबानी अडानी की जो मंडियाँ हैं वहाँ पे लोग जो है अनाज देंगे, स्टार्टिंग में वो जो है ना हमें रेट देंगे 25-30 रुपये, जब हमारी आदत हो जाएगी कि हम अब उन्हीं से बेचेंगे क्योंकि वो अच्छा रेट देते हैं, फिर वो लास्ट में कहेंगे हमको तो 10 रुपये किलो चाहिए, आपको देना हो तो दीजिए, नहीं तो आप जहाँ मर्जी जाइए। जब तक पता चला कि जो भी जो सरकारी मंडी थी वो भी चली गई, तो अब हम अपना अनाज लेके कहाँ जाएं? हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ था कि अडानी अंबानी को जो सेब जो है ना वहाँ के जो भी जो किसान थे वो दिया करते थे, 2 साल तक उन्होंने अच्छे रेट दिए। अब आज उन्होंने क्या किया है कि उसी जो फल के रेट दे रहे हैं 20 रुपये किलो,
तो वहाँ का जो भी जो है जितने भी किसान है वो भी गाजीपुर है, सिंगू है, टिकरी है, तो ये आने वाले भविष्य की लड़ाई है। किसान अगर आज नहीं लड़ेगा तो आप देखिए सरसों का तेल कहाँ 70 रुपये लीटर होता था, और सरसों का तेल आप 200 रुपये लीटर खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? क्योंकि इस पर चंद पूंजीपतियों का कब्जा हो गया है। जो हम दाल जो है 70 रुपये लेते थे, आज वो 150 रुपये किलो है ना। जो हम सिलेंडर बात कर रहे हैं सर, एक थोड़े बहुत पूंजीपति प्रधानमंत्री जी को कब्जे में कर लेंगे। बिल्कुल, आजकल के समय का जो प्रधानमंत्री है वो जो है कठपुतली है, बड़े बड़े पूंजीपतियों का गुलाम है। आपने देखा नहीं होगा कि अंबानी के पार्टी को पैसा मिलता है क्या उनसे? फंड देते हैं। अच्छा, हम आपको बता दें कि 10,000 करोड़ रुपए जो है रिलायंस ग्रुप ने दिया था उनको, हेलीकॉप्टर से लेकर सारी मदद की थी। तो 10,000 करोड़ का जो बदला कहाँ से देंगे उनको? ONGC दे दिया, भारतीय पेट्रोलियम दे दिया, इंडियन ऑयल दे दिया। आज के डेट में डीजल का जो है रेट क्या है और पेट्रोल का रेट क्या है, यही सरकार जो है 2013 में स्मृति ईरानी जी जो है कहती थी जो है महंगाई डाइन खाई जात है, आज वही जो है ना डाइन महंगाई जो है उनकी जो है महबूबा बन गई है, उनका जो है ना दोस्त बन गया है। और कुछ भी कहिए तो भाई ये तो देश के लिए हो रहा है। आप गरीब जनता को लाइन में लगा के मार दीजिए, बिना इलाज के मार दीजिए, बिना ऑक्सीजन के मार दीजिए, इंजेक्शन नहीं है आज देश में। भारत को कहते हैं ना एक स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हैं। स्मार्ट सिटी कहाँ बन रहा है बताइए ना। उन्होंने कहा था कि हम जो है ना स्मार्ट गांव बनाएंगे, एक भी जो है ना स्मार्ट गांव आपने देखा होगा? प्रधानमंत्री जी का जो है ना ड्रीम प्रोजेक्ट था कि हम हर जो है ना जिला योजना एक सांसद होगा जो स्मार्ट गांव बनाएगा, उसमें वाईफाई, CCTV कैमरे और हर चीज़ होगी। एक भी ऐसा जो है मोदी जी हमको गाँव दिखा दें जहाँ पे हर चीज़ की जो सुविधा हो, सब सिर्फ कागजों में है। जमीन पे चले जाइए तो कुछ भी नहीं है। जनता त्राहिमाम है, बहुत परेशान है, और जनता इंतजार करती है कि कब हम मोदी को इसका जो है ना जवाब दें। यानी कि 2024 में आप सबक सिखाएंगे? 100% सबक सिखाएंगे। ये देश में जनता का राज है, लोकतंत्र में जनता मालिक होता है। 5 साल में एक बार जो है मौका मिलता है, और वो जो है बहुत से प्रधानमंत्री आए अपने इंदिरा जी को। आप कह रहे मैं चेतावनी दे रहा हूँ, यादव हूँ मैं, चेतावनी दे रहा हूँ, आपको पता है जेल में डलवा देंगे आपको? कोई बात नहीं, देखिए जितने भी लोग हैं जेल जो है ना आदमी ही जाता है ना, जेल जाने से डर नहीं लगता? किस लिए जेल जाने से डर लगेगा? अगर जेल जाने से अगर हम डरते तो अंग्रेजों ने, अगर हम जेल जाने से डरते तो हम अंग्रेजों के भी गुलाम होते आज तक। ये तो जो है ना काले अंग्रेज है ना, तो जब हम गोरे अंग्रेजों से नहीं डरे जिनकी हुकूमत होती थी, ये तो काले अंग्रेज है, इनको तो हमने बनाया, इनको तो 24 घंटा में अगर हम चाह लें तो 24 घंटा में इनको पता भी नहीं चलेगा कि ये गए कहाँ। अरे बाप रे बाप, तो इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं। मान के चलिए एक लोकसभा में 10 लाख आबादी है, अब उस 10 लाख आबादी में 10% BJP के लोग हैं, 90% जो है ना बैकवर्ड लोग हैं। अगर बैकवर्ड चाह लेंगे तो क्या जो है 10% वाले टिक पाएंगे? नहीं टिक पाएंगे ना। तो सरकार को अभी भी होश में आना चाहिए। अभी आप देखिएगा हरियाणा में मुख्यमंत्री की औकात नहीं है जो एक जो है सेमिनार कर लें या फिर एक जो है ना भाषण का मंच लगा लें। बीजेपी के मुख्यमंत्री की औकात नहीं हरियाणा में, जो एक जो कार्यक्रम करके दिखा के मुख्यमंत्री को भगाया था अभी एक महीने पहले की बात है। पंजाब में चले जाइए, हिमाचल में चले जाइए, उत्तराखंड में चले जाइए, उनके विधायकों को लोग जो है ना दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं, कर रहे हैं मोदी जी, और जो है ना और जो है ना नीचे के जो लोग हैं वो जो है भुगत रहे हैं। ये स्थिति है देश में। अभी भी अगर सरकार नहीं समझेगी तो आने वाले समय में जनता अपने हाथ में लठ ले लेगी और लठ से समझाएगी इनको। नाम और बताइए। जितेंद्र यादव, बिहार जी।